Hello guys, welcome to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing well. And आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस मेकअप ट्यूटोरियल जो भी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं. This is a very beautiful ब्लू एंड सिल्वर आई लुक. मैंने इसे एक ट्रेडिशनल लुक दिया है. सो अगर ये लुक आपको पसंद आ रहा है, ये आई मेकअप अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मेकअप लवर है मेरी तरह. सो अगर आप देखना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने आईब्रो से. और मैंने यहाँ लिया है ये माल्याओ का आईब्रो पैलेट, एंड इसमें से मैं ले रही हूँ ये ग्रे शेड. एंड इसके साथ जो एप्लीकेटर आता है मैं उसी से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी. एंड गाइस, इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से आईब्रो को फिल करता है. मैं अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. नेक्स्ट मैं इसके साथ जो स्पूली आता है उससे अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी. सो नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ ये सिस ब्यूटी का कंसीलर, एंड इससे मैं अपने आईलिड को अच्छे से कंसील करूँगी ताकि जो मेरा आई शेडो है वो बहुत ही इन्हेंस होके आए. इसे मैं एक स्मॉल स्पंज की हेल्प से सेट कर रही हूँ. देन मैं यहाँ ये लाइट पीची शेड ले रही हूँ अपने क्रीज के लिए एज अ ट्रांजिशन शेड, एंड मैं इसे एक अच्छे से फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. एंड मैं इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो. तो मैं इसे तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता. नेक्स्ट मैं यहाँ ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, एंड इसे मैं वी शेप में अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो. मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक शेड है, ये बहुत ही पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सो इसलिए मैं इसे और अच्छे से डार्क कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कितना अच्छा शेप आया है. देन मैं एक फ्लफी ब्रश लेके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन मैं अपने हाफ ऑफ द आईलिड पे अच्छे से कंसीलर लगाऊंगी. मैं कोई कटकिच नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बस मैं अपने आईलिड को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं जो कलर लगाऊँ वो बहुत अच्छे से उभर के आए. नेक्स्ट मैं ग्लैम 21 पैलेट से ये ब्लू शेड पिक कर रही हूँ, एंड इसे मैं अपने मिडिल आईलिड पे लगाऊंगी. एंड यू गाइस सी इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है. सो इसे मैं फिंगर की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी. नेक्स्ट मैं दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ सिल्वर शेड अपने इनर कॉर्नर के आईलिड पे, एंड मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक फॉल पिगमेंट. सो मेरे दोनों आईज डन हो चुके हैं. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये स्ट्रे किरकी का आईलाइनर, एंड मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का मस्कारा, एंड इसे मैं अच्छे से एक से दो कोट लगाऊंगी अपने आईलाइनर. स्टार्ट कर रही हूँ अपना बेस मेकअप, एंड मैं जितने भी फॉलोअर हुए थे मैं उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी. तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइज़र, एंड मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी. गाइज, ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड यू गाइज डोंट बिलीव, ये बस 10 रुपीज़ में आता है. सो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैकमे का ब्लर प्राइमर.
एंड इसे मैं अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे लगा लूंगी। सो गाइज, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये आई मेकअप कैसा लगा। सो यार, नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये फिट मी का फाउंडेशन एंड इसे मैं अपने बैक ऑफ द हैंड ले रही हूँ। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। सो मैंने इसे अपने फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे लगा लिया है। देन मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इससे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड एक मैं डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो यार डन। देन मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं अपने अंडर आइज पे, अपने अपर ऑफ द नोज पे एंड अपने फोरहेड पे, मतलब सारी जगह मैं अच्छे से इसे लगा लूँगी। देन मैं सेम ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गाइज, अगर आपको कुछ मिस्टेक्स लगते हैं तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया मैं उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। देन मैं यहाँ ये ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने फेस को कॉन्टोर एंड ब्रॉन्ज अप करने के लिए। एंड गाइज, कॉन्टोर करने के बाद जो हमारा फेस है वो बहुत ही शार्प एंड बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा जो फेस है वो बहुत ही फ्लैट हो जाता है, बहुत ही थोड़ा हैवी सा लगता है। सो आप कॉन्टोरिंग करोगे उसके बाद अपना फेस देखोगे तो आपको खुद में बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने यहाँ अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से, क्योंकि मुझे फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ को कॉन्टोर करना ज़्यादा ईजी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लश और मैंने यहाँ पे एक पिंक सा शेड लिया है। मैं इसे हल्का सा अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये रोज़ ग्लो टोनर एज अ मेकअप फिक्सर एंड मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से सबको सेट कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस हो वो निकल जाए। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर फॉर द ग्लो, तो इसे मैं अपने चिक बोन्स, टिप ऑफ द नोज, फॉरहेड, क्यूपिड बोन्स, अपर लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये एरियस का लिपस्टिक। मेरी आईज़ थोड़ी सी वाइब्रेंट सी है, थोड़ी हैवी सी है, इसलिए मैं यहाँ बहुत ही लाइट सा शेड यूज़ कर रही हूँ अपने लिप पे। देन मैं एक एलिटिन का एक पीछे से लिपस्टिक लेके इसे अच्छे से और अप्लाई कर लूँगी ताकि बहुत अच्छा सा शेड आए। देन मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करना भूल गई थी तो मैं वहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड एंड ब्लैक शेड लेके उसे स्मज आउट कर रही हूँ। सो या, देन मैं यहाँ अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी। सो या गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इन्जॉय किया हो आप लोगों ने, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें। सो या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।